अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और ईद मुबारक। बहुत पर यहाँ पे मेरी मेहंदी डन हो गई थी, जिस तरह कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, यहाँ पे लड़के जो हैं वो ईद की नमाज़ पढ़ के आ गए थे और यहाँ पे बैठ के मोबाइल चला रहे थे। उसके बाद हमने नाश्ता किया और यहाँ पे 8 का टाइम और था। आंटी के भी बर्तन धोए थे, उन्होंने चली गई थी, फिर मैं तैयार हुई और यहाँ पे मेरा ये एक ब्रेसलेट मेरे एवं मैच हो गया। फिर मैंने कहा चल गई पहले थे, मेरा पर्पल कलर का सूट था और ये बड़ा प्यारा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, उसके बाद मैंने चप्पले पहनी और मैं तैयार होकर बैठ गई चाचू के घर जाने के लिए। चाचू के घर गए, नानों के घर गए। ये बकरा था, ये थोड़ा बीमार हुआ था तो उसकी कुर्बानी की। यहाँ पर जो है बकरे हमारे घर जा रहे थे क्योंकि जो है कसाई नहीं आए थे, इसलिए नहीं आए थे। फिर हम लोग जो है वो घर के निकले अपने, और यहाँ पे हमारे घर में जो है वो बकरे आगे बंधे हुए थे, बेचारे उनको भी सुकून हुआ। वहाँ पे बहुत गर्मी थी, यहाँ पे ऊँट का गोश्त आया था हमारा तैयार चाचू का। फिर जो है ये बकरे आधे घंटे पहले जो है हमको खाने के लिए डाला, इन्होंने खाया अच्छे से। और यहाँ पर जो है मुझे बहुत शदीद रोना आया था, मेरे दिल जो है वो हाथ में आया हुआ था क्योंकि हमारे बकरे जो है वो ज़िबा होने वाले थे और बस थोड़ा सा ही टाइम लगे थे, 5-10 मिनट के लिए, और ये ज़िबा हो जाने थे। फिर जो है वो मैं शदीद रोना स्टार्ट हो गई इस टाइम पे और फिर ये जो है वो ज़िबा हो गए। इतना प्यारा बकरा था, इतना लाड प्यार करने वाला। यहाँ पर जो है मेरे पापा के दोस्त का एक बेटा है, वो था इतना ये प्यारा है माशाल्लाह। मेरी मामा से बातें कर रही थी, क्या है ये, क्या है, सारा कुछ पूछ रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई, फिर जो है वो गोश्त वगैरह सारे भी कर दिया था। ये गोश्त में इकट्ठा कर दिया था, यहाँ पे चांपे वगैरह अलग था कि, और गरीबों में गोश्त बांटा। यहाँ पे जो हम कीमा बना रहे थे, और यही था मेरे लोग। आप उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और ईद के दूसरे दिन का भी लोग इंशाल्लाह कल तक आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।